नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों की फांसी हो गई, शिद्दत से इसका इंतजार हो रहा था। लेकिन जानते हैं, इस फांसी में भी कई कहानियाँ हैं, और ऐसी ऐसी कहानी है कि सुन करके लगेगा कि क्या कुदरत की व्यवस्था है। अंदाज़ा लगाइए कि जो जिन चार की फांसी हुई है, उनके घर का कमाने वाला चला गया। दोषी थे, निश्चित रूप से फांसी होनी चाहिए। ये कहानी बताने का मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है कि उनके साथ कोई सहानुभूति है। दोषी यदि हैं, यदि उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया तो उनको फांसी मिलनी ही चाहिए। लेकिन चार घर के दीपक बुझ गए, और इन घरों के दीपक जिसने बुझाए, यानी इनको जिसने फांसी पे चढ़ाया, उस जल्लाद के घर में इससे जो रकम मिलेगी, उससे उसका घर रोशन होगा, सहनाई बजेगी। अब पूरी कहानी सुनिए। पहले क्या होता था कि 2000 से 4000, 5000 की रकम एक फांसी की मिला करती थी। जिस पवन जल्लाद ने तिहाड़ जेल में इनको फांसी दी, उसके परदादा लक्ष्मण जल्लाद, फिर दादा कालू जल्लाद, फिर पिता मम्मू जल्लाद, और अब पवन जल्लाद। तो स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा फांसी के केसेस तो आते नहीं हैं। ये मेरठ में इनको 5000 रुपये की रकम मिलती है, एक तरह से जेल इनको कंटेक्ट पर रखे हुआ है। 5000 रुपये में 5 बेटी और 2 बेटों का परिवार कैसे पलेगा? पत्नी की डेथ हो चुकी है। पत्नी की डेथ कुछ ऐसे हुई थी कि कच्चा मकान था, बारिश हुई और वो मकान ढह गया, गिर गया, उसमें वो दब के मर गई। पवन जल्लाद बताते कि बहुत निकालने की कोशिश की, परिवार की गाड़ी को पटरी पे लाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। जैसे तैसे 3 बेटियों की शादी हुई, और 5000 रुपया मेरठ जेल से लेने के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी, बट अभी भी 2 बेटियों के हाथ पीले करने हैं और 2 बेटे भी हैं। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है तिहाड़ के इतिहास में, तो पहली बार ही है कि 4 फांसी एक साथ हुई है। और तिहाड़ ने बकायदे डिमांड करके चिट्ठी लिख करके उत्तर प्रदेश से जल्लाद मांगे तो थे, वैसे दो जल्लादों की ज़रूरत थी, लेकिन एक ही जल्लाद मिल पाया। तो अब इनकी जो रकम फिक्स हुई है, पहले बात आ रही थी कि रकम मिलने वाली है 25,000 की, यानी कि 1,00,000 रुपए की रकम मिलेगी। लेकिन तिहाड़ जेल सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक एक फांसी के लिए 15,000 रुपये मिल रहे हैं। यद्यपि एक लीवर तो जेल स्टाफ ने खींचा था, लेकिन माना यह गया कि चूंकि इसने पवन इतनी बार आया गया है, लिहाजा जो है इन्हीं को चारों फांसियों की रकम दे दी जाए। तो 15,000 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये का भुगतान इनको कर दिया गया है, और अब ये 60,000 रुपये से काफ़ी खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि पहली बार इनको इतनी रकम मिली है फांसी देने के लिए, क्योंकि तिहाड़ के इतिहास में 4 फांसी एक साथ कभी हुई नहीं। एकाध फांसी इन्होंने दी, ये अपने दादा के साथ कल्लू जल्लाद के साथ जाया करते थे, उस समय जल्लाद के लिए रुकने की व्यवस्था हो जाए और आने जाने की किराए की व्यवस्था हो जाए, यही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि इन्हें लगता है कि प्रशासन इन्हें कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है। बट अब 60,000 रुपये पा करके ये काफ़ी खुश हैं। इन्हें लग रहा है कि अब वो अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे, यदि थोड़ा बहुत कम पड़ेगी रकम कम पड़ेगी तो वो कर्ज ले लेंगे। तो ये व्यवस्था देखिए कि एक तरफ घर के चिराग बुझे, चाहे जैसे थे, दोषी थे, बहसी थे, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका परिवार तो एक तरह से कमाने वाला सदस्य खो दिया। और जैसा कि पुनीता आकर के यहाँ दिल्ली में घूम रही, बता रही अपने पति की कहानी कि किस तरीके से अब वो विधवा हो गई, और उसने इसी आधार पर डाइवोर्स का केस भी लगा रखा है। और इधर जो है, उसी पैसे से इनके घर में, यानी कि पवन जल्लाद के घर में सहनाई बजाने की तैयारी है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।